हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डन। आज मैं अपने बहुत दिनों बाद गार्डन का ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा पर्सलेन और फोर क्लॉक है मेरा, ये काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। और ये देखिए सदाबहार भी है और सनफ्लावर, ये देखिए ये सनफ्लावर खिल रहे हैं, ये सदाबहार पर्पल है। कैमरे में तो अच्छा नहीं आया है मगर वैसे रियल में बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो भी है इसमें, ये जेड है मेरे यहाँ, ये गेंदे देखो कितना खिल रहा है, बहुत खिल रहा है। ये मिनी सनफ्लावर है, जीनिया भी खिल रहे हैं और ये हिबिस्किस भी खूब खिल रहे हैं। देखिए आप हिबिस्किस मल्टी पेटल वाला है, ये काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं और काफ़ी बर्ड्स भी आई हुई हैं। ये कॉस्मोस है, ये भी है सदाबहार, और ये जीनिया है, ये देखिए सदाबहार ये भी कुछ है, ये और ये कॉस्मोस है, ये देसी रोज़ है, ठीक है, ये काफ़ी खिल रहे हैं, ये रोज़ देसी रोज़ वाले भी है ये, और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, बहुत ढेर सारी खिल रही है मैक्सिकन पिटूनिया भी। और ये एक्जोरा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए कलर फेड हो गए, पुराने भी हो गए ये फूल। और ये वाइट है और मेरा ये देखो ये हिबिस्किस पिंक है, और ये हॉलीहॉक है वाइट, और ये मैजेंटा, और ये भी सदाबहार है खूब अच्छे से, और ये गॉम्फ्रोनो भी खिल रहे हैं इधर, ये भी ये कट करने को हो गया मेरे ये, और ये सदाबहार देखिए कितने अच्छे से खिल रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये हिबिस्किस इस पर चार पांच फूल खिले हुए हैं, इसमें डेली कुछ कुछ ना कुछ फूल खिलते ही रहते हैं। ये देखिए एक दो तीन चार, और ये कुछ ये पर्पल है, ये क्लराडिया है वो भी है फोर ओ'क्लॉक 9 o'clock, और ये देखिए बर्बीना खूब अच्छे से बर्बीना खिल रही है, गेंदा भी खिल रहा है, बर्बीना खूब खिल रही है ये देखिए। और सुबह सुबह इतनी गर्मी पड़ती है कि बस हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए ये रेड वाले खिल रहे हैं, चार पांच फूल खिल रहे हैं, इसके दो इधर हैं, दो इधर हैं, और इधर ये भी खिल रहे हैं, इधर ये भी खिलने वाले हैं कुछ। ये देखिए एक ये है, एक ये है, और ये जीनिया कितना खिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए सिंगोनियम है, टर्टल वाइन है, ये येलो खिलने वाले हैं, काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं ये, और ये भी है, ये देखिए ये पिंक खिला हुआ है, ये बालसम है, ये पिंक खिले हुए हैं रोज़ मेरे, ये देखिए ये रोज़ काफ़ी खिल रहे हैं, गर्मी है खिल काफ़ी रहे हैं मगर खिलते ही ये सब जल जा रहे हैं, देख रहे हैं आप ये बिल्कुल जल जा रहे हैं, जबकि मैं पानी अच्छे से दे रही हूँ मगर धूप बहुत आ रही है। देखिए कितनी बुरी हालत हो गई इन सब की प्लांट की धूप की वजह से। ये मेरा डायंथस सिंगोनियम, ये भी है, ये मेरा ये गुलाब है, ये पिटूनिया, ये कैक्टस, ये पीपल, और ये बालसम, ये देखिए सब फूलों की हालत ख़राब हो रही है। एक दो बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा हो जाएगा, पर अभी तो गर्मी बहुत हो रही है और प्लांट पता नहीं कैसे चल पा रहे हैं। ये जाफरी गेंदा है, ये भी गेंदा है, और देखिए ये साल्विया चल रहा है, ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये देखिए गुलाब की हालत कैसी हो रही है, फिर भी खुद को कोशिश करते हुए कि खिल जाए किसी तरह से। ये देखिए ये सदाबहार है मेरा, सदाबहार इस समय थोड़ा बहुत चल रहा है, अगर एक टाइम पानी रहता तो ये मरने लगते हैं। ये देखिए फूलों का साइज जरूर छोटा हो गया, खिल रहे हैं, जल भी रहे हैं मगर खिल रहे हैं, और ये देखो इसकी हालत क्या हो गई है, ये वाइट खिल रहा है खूब अच्छे से, ये रेड भी पिंक हो गया है, रेड भी धूप की वजह से। ये देखिए कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ खिलने की कोशिश में है, कुछ खिल रहे हैं और जल भी जा रहे हैं, बर्बीना, ये मैक्सिकन पिटूनिया, इसकी तो हालत ख़राब ही हो गई है बुरी तरह से, पूरा दिन की याद धूप मिल जाती है, अभी 10 बजे से धूप यहाँ पे आ जाएगी बहुत तेज, और ये भी खिल रहे हैं अच्छे से मगर गर्मी बहुत है, सच में हालत ख़राब हो रही है प्लांट्स की, फूलों की। और देखिए सुबह पानी अच्छे से दिया और पत्ते गर्मी की वजह से लटक से रहे हैं, देख रहे हैं अभी ये गर्मी बहुत पड़ रही है। जट्रोफा, ये भी फूल जल रहे हैं बुरी तरह से, देख लिए देखिए, और ये टिकोमा भी बहुत कम खिल रही है, अभी गर्मी ही बहुत है, ये देखिए खिलता ही सूख रहे हैं, खिलने के बाद ही सूख जा रहे हैं 4 o'clock, और ये भी इसकी भी हालत ख़राब हो गई है, रिपोर्टिंग शॉक है,
कुछ गर्मी है और ये गेंदा इस समय अच्छा खिल रहा है, बस क्योंकि इसे पानी टाइम टू टाइम मिलता रहता है, इस तरह से लगा रखा है, पानी मिलता ही रहता है हर जगह। आप मेरी प्लांट में इस तरह की बॉटल रखी हुई देखो, तो ये पानी इन्हें थोड़ा थोड़ा करके मिलता ही रहता है। तो ये चल रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। ये देखिए ये एक्जोरा, इसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है एक्जोरा की। ये गेंदा अच्छे से खिल रहा है, इसमें पानी वगैरह भर के रखे रहती हूँ। मैक्सिकन पिटूनिया अपराजिता है, ये है स्वीट पोटैटो वाइन, इनके पत्ते भी सूखने लगे हैं गर्मी की वजह से, जबकि सुबह अच्छे से पानी लगा के देख दिए हैं। ये कॉस्मस है, ये अच्छे से खिल रहा है, बस गेंदा और कॉस्मस ही अच्छे से खिल पाते हैं, बाकी तो सबकी हालत ख़राब हो रही है प्लांट की। इनके सीड भी काफ़ी हो रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं होती गर्मी में कलेक्ट करने की, बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है। आप कहो कि मैं थोड़ी बहुत देर कलेक्ट कर लूँ तो सीड नहीं कलेक्ट कर पाती, क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ रही है भयंकर। ये भी है मधुमालती, इसके भी अब फूल ख़त्म हो गए, बस एक ये बचा है एक दो, बाकी ख़त्म हो गए। ये सब सूख खिलते ही सूख रहे हैं, और एक सब ऐसे ही लगा के रखे हैं एक दूसरे के पास पास में। चांदनी ये रिपोर्टिंग शॉक में थी तो अब फूल खिलना शुरू हुए। ये नींबू है, एक सदाबहार, ये वाला सदाबहार हर जगह खिल रहा है बहुत। और सनफ्लावर भी खिलना शुरू हो गए हैं, पर गर्मी बहुत है, एक टाइम पानी ना दो तो ये मुरझा जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है इनकी। ये पिटूनिया भी देखो खिलने के तुरंत बाद ही मुरझा गई है, बहुत गर्मी हो रही है तो ये तुरंत खिल रहे हैं और तुरंत मुरझा जा रहे हैं। ये देखिए जी, तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।